हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 12 प्रो। इसमें आपको क्या अच्छी चीज़, यानी कि टॉप रीजंस वाई आपको ये जो फ़ोन है क्यों ख़रीदना चाहिए, तो उस टॉपिक पे गाइस बात करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। सबसे पहले आते हैं साउंड की तरफ। तो साउंड में आपको ये मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, डॉल्बी एटमॉस। तो बहुत ही ये प्रैक्टिकल है और वर्क भी करता है गाइस, और ब्लूटूथ, और यकीन मानिए ब्लूटूथ पे भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो आपको यहाँ से सिंपली इसको ऑन कर लेना है यहाँ से, और म्यूज़िक पे अगर आप लाते हो तो आपको जो क्वालिटी है साउंड की बहुत ही अच्छी मिलती है। और इसके बाद आपको कस्टम में आके आपको ऐसे जो है इक्वलाइजर को सेट कर लेना है, तभी आप जो अच्छा साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छे हाई और अच्छे बेस के साथ आप म्यूज़िक जो क्वालिटी है वो इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये ईयरफोन, ब्लूटूथ एंड स्पीकर, ये तीनों पे वर्क करता है। किसी किसी फ़ोन में, सैमसंग के फ़ोन में या किसी फ़ोन में डॉल्बी एटमॉस तो मिलता है, लेकिन ओनली ईयरफोन पे वर्क करता है। लेकिन गाइस इसमें अच्छी बात यही है कि आपको ये कुछ भी आउटपुट हो, गेम हो या फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो आपको ये वर्क करता है डॉल्बी एटमॉस। तो बहुत ही प्रैक्टिकल है और यूजफुल है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए, तो उसका है यार HDR, ठीक है। रेडमी नोट 13 जो सीरीज आया हुआ है, उसमें भी आपको जो 13 प्रो है या 13 है, उसमें आपको HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन इसमें आपको HDR और जो डॉल्बी विजन तो है ही, वो दोनों का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कोई भी HDR वीडियो ऑन करके। यहाँ से हम HDR वीडियो सर्च कर लेते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे कुछ भी हम प्ले कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप क्वालिटी चूज करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो क्वालिटी है HDR में, यानी 4K, तब 4K आप इसमें भी प्ले कर सकते हो आसानी से और बिना लैगिंग के, ठीक है। तो इसमें अच्छी बात है कि आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, जो कि Redmi Note 13 Pro इससे लगभग 5000 कॉस्टली फ़ोन है, उसमें ये HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा HDR का प्ले मिलता है और साथ में Dolby Vision का भी है सपोर्ट। तो किसी तरह से कंपनी ने कमी नहीं छोड़ी है, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR और ईयरफोन जैक सब कुछ इसमें दे रखा है, भर भर के दे रखा है। तो ये हमारा जो दूसरा रीज़न बनता है इस फ़ोन को परचेज करने का, वो हमारा यही है HDR, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इसका डिस्प्ले की। नेक्स्ट रीज़न है आपको ये फ़ोन लेना क्यों चाहिए, तो डिस्प्ले है इसका बहुत ही शानदार है, और इसमें आपको बेजल भी थोड़े बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो एक तरह से ये परफेक्ट फ़ोन बन जाता है। बहुत ही डिस्प्ले इसका स्मूद है और एनिमेशन भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, जबकि रेडमी नोट 12 में आपको अच्छे एनिमेशन नहीं मिलते थे। कुछ भी यहाँ से आप ओपन करते हो तो बहुत ही एनिमेशन जो अच्छे मिलते हैं, और डिस्प्ले बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। तो डिस्प्ले साइड से कोई भी कंप्लेन नहीं है, ठीक है, बहुत ही आपको शानदार डिस्प्ले मिलने देखने को मिलता है, और इसका व्यूइंग एंगल भी बहुत ही शानदार है। तो गाइस नेक्स्ट रीज़न हम बात करेंगे इसका क्या है, वो है इसका जो चार्जिंग और बैटरी जो है। तो चार्जिंग आपको फुल चार्ज करने में इस फ़ोन को लगभग 1 घंटे लगते हैं, और जो डिस्चार्जिंग स्पीड है वो भी अच्छी है, मतलब ज़्यादा कोई जल्दी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है, तो ये तो इसमें अच्छी बात कही जा सकती है। और अगर इसमें 67 वाट का चार्जर दिया गया है, अगर आप उससे कम चार्जर यूज़ करते हो, जैसे 33 वाट का यूज़ करते हो, तो बहुत ही आपको जो बैटरी है बहुत ही बैटरी ड्रेन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो फास्ट चार्जर वाले फ़ोन होते हैं, उसमें अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो तो चार्जिंग में तो आपको जो स्पीड है बहुत ही लो मिलती है, लेकिन जो बैटरी ड्रेन है बहुत ही कम होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और अपने फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हो, तो आपको छोटे वाले चार्जर यानी कम स्पीड वाले चार्जर से चार्ज करना चाहिए, और आपका फ़ोन भी उसमें हीट नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके फ़ोन के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बाकी आप 67 वाट से चार्ज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी ड्रेन आपको मिलेगा लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तीसरा गाइस इसका कैमरा, कैमरा जो है सोनी का जो है सेंसर इसमें यूज किया गया है। तो मैंने रेडमी नोट 12 और 13 का जो सॉरी रेडमी नोट 12 एंड 12 प्रो का जो इसमें कंपेरिजन करके देखा था, तो इसका जो कैमरा है बहुत ही अच्छा है और लगभग 30-40% बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी आती है पिक्चर के। तो और उसमें वीडियो भी जो रिकॉर्डिंग करते हो आप उसमें OIS को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका कैमरा ठीक ठाक कह सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप इसमें ये फ़ोन को लेते हो तो आपका जो एंड्रॉयड वर्जन मिलता है एंड्रॉयड 12 मिलता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से डाटा को कनेक्ट करते हो और यहाँ पे अपडेट में आते हो तो एक अपडेट आपको मिलता है 4.8 GB का, जो कि एंड्रॉयड 13 पे वर्क करता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से अपडेट हो जाता है, अपडेट में कोई बग वग ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार है। इसको आप अपडेट कर लेना फिर आपको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स एक तरह से मिल जाएगा, ठीक है। गाइस इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें जो है ऐप की तरह नहीं मिलता है, आपको एक शॉर्टकट है जो इसमें दिया गया है, उसको आपको टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डर को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बाकी इसका अगर आपको सेटिंग करना हो तो एडिशनल सेटिंग, इसके बाद यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको ऐप ड्रॉवर में भी देना चाहिए था एक ऐप ड्रॉवर, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर का डिफरेंट जो है सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो स्क्रीन रिकॉर्डर इस फ़ोन में दिया गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं गाइज इसका 5G कनेक्टिविटी। मैंने टेस्ट किया था, लगभग 80-90 MB जो है मेरे सर्कल में आ रहा था, तो इसका स्पीड भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, बहुत ही इसका रेंज भी बहुत ही ख़तरनाक दिया गया है। अभी जैसे मैं पिछली बार रेडमी नोट 5 का यूज कर रहा था तो उससे आपको लेकिन लगभग बहुत ही मतलब शानदार ब्लूटूथ रेंज देखने को मिलता है। कहीं भी आप फ़ोन को रख लो दूसरे रूम में तीसरे रूम में, तो इसमें आपको ब्लूटूथ का रेंज है बहुत ही ख़तरनाक देखने को मिलता है। और गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका बात करते हैं जो ऑडियो का हमने बताया था, इसमें डुअल स्पीकर है, ठीक है। तो डुअल स्पीकर बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपको लेफ्ट जो लेफ्ट चैनल स्पीकर है उसका आपको ऊपर वाला मिल जाता है इसमें, और जो राइट चैनल का स्पीकर है वो आपको नीचे वाला मिल जाता है, ठीक है, बटन फायरिंग स्पीकर। तो गाइस इसमें जो स्पीकर का क्वालिटी यूज किया गया है, ऊपर वाला जो स्पीकर है बहुत ही शानदार है, अच्छे से आवाज़ निकाल के देता है, जो इसका हाई फ्रिक्वेंसी से बहुत ही अच्छे से आता है। लेकिन जो नीचे वाला स्पीकर है बटन स्पीकर, उसमें थोड़ा सा जो इसका हाई फ्रिक्वेंसी है वो ठीक से नहीं आता, फिर भी अगर आप दोनों एक साथ यूज करते हो तो बहुत ही अच्छी साउंड निकल के देता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और साउंड भी अच्छी तरह से लाउड है। रूम में अगर आप सुनते हो तो बहुत ही मतलब तगड़ा साउंड मिलता है, अगर आप बाहर भी यूज करते हो तो आप इसको मतलब ज़्यादा कम नहीं कर सकते, मतलब अच्छा खासा है। तो गाइस ये कुछ रीजंस थे जिसको ध्यान में रखते हुए आपको ये फ़ोन लेना चाहिए और रेडमी नोट 13 को अभी बाय बोलना चाहिए, ताकि उसमें कुछ पैसा ज़्यादा लेने के बाद भी कुछ उसमें ज़्यादा फीचर्स दिखे नहीं गए हैं। ब्लूटूथ जो वर्जन है 5.2 इसमें भी मिलता है और उसमें भी मिलता है, तो इनको कुछ यार अपग्रेड करना चाहिए था। ब्लूटूथ 5.4 एटलीस्ट तो करना ही चाहिए था, एंड्रॉयड 14 भी करना चाहिए था उनको, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उनको करना चाहिए था 13 में, ज़्यादा कुछ अपग्रेड उसको बोल नहीं सकते। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप नया फ़ोन लेने को सोच रहे हो तो रेडमी नोट 12 प्रो ले लो, जो बहुत ही अच्छा है, HDR वीडियो का सपोर्ट मिलता है और अच्छा खासा स्पीड भी है, तो इस फ़ोन में आपको ज़्यादा कुछ कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कुछ यही रीजंस थे जिसको ध्यान में रखते हुए आपको फ़ोन लेना चाहिए। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।